हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ द पार्ट ऑफ द EVS 2 लेसन नंबर 2 वर्क ऑफ सेंट. इन दैट टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द पार्ट ऑफ संत एकनाथ. सो हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ संत एकनाथ. सो लेट्स स्टार्ट. संत एकनाथ. संत एकनाथ कैरिड ऑन द वर्क स्टार्टेड बाय संत नामदेव एंड संत ज्ञानेश्वर. संत एकनाथ ने वो सारे काम आगे बढ़ाए जो संत नामदेव और संत ज्ञानेश्वर ने किए थे. ही लिव्ड इन पैथान. वो पैथान नाम के एक गांव में रहते थे जो कि महाराष्ट्र में है. ही प्रीच्ड दैट द वे टू रीच गॉड वॉज थ्रू डिवोशन. भक्ति मार्ग वो लोगों को सिखाया करते थे. प्रीच्ड यानी सिखाना. क्या सिखाया करते थे कि अगर हमें गॉड तक पहुंचना है तो उसका सिर्फ एक रास्ता है और वो क्या है? डिवोशन. डिवोशन को हिंदी में कहते हैं भक्ति मार्ग. यानी हम अपनी भक्ति से, अपनी आस्था से गॉड तक पहुंच सकते हैं. ही रोट न्यूमरस रिलीजियस सॉन्ग्स, अभंग्स, ओविस एंड भरूड्स. उन्होंने बहुत सारे सॉन्ग्स लिखे जो कि रिलीजन के ऊपर है, धर्म के ऊपर है. उन्होंने अभंग्स लिखे. अभंग्स यानी भगवान की तारीफ में लिखी हुई जो पोएम होती है उसे कहते हैं अभंग. ओविस यानी ओविस भी एक पोएट्री का फॉर्म है. और भरूड्स भी, मतलब ये सारे पोएम्स हैं जो जिसमें हम भगवान को प्रेस करते हैं, भगवान की तारीफ करते हैं. His advice to the people was not to accept any distinction of high and low. वो लोगों को कुछ एडवाइस दिया करते थे, यानी सलाह दिया करते थे. क्या सलाह दिया करते थे? कि high and low, यानी ऊंचा और नीचा, ये ऊंची जात का है, ये नीचे जात का है, ऐसे में भेदभाव नहीं करना चाहिए. He made friends with the poor and the downtrodden. अब उन वो किससे फ्रेंडशिप करते थे? ऐसा नहीं कि जो रिच है, बहुत अमीर है, बहुत अच्छा दिखता है, उससे फ्रेंडशिप करते थे, ऐसा नहीं था. वो जो गरीब लोग हैं और जो डाउनट्रोडन है, डाउनट्रोडन यानी सोसाइटी के जो पहले ज़माने में जो सेंट्स लोग रहते थे, साधु होते थे, या फिर जो ऊंची जात के लोग रहते थे, वो दूसरे जो थोड़े से गरीब होते थे उनको बहुत परेशान किया करते थे. तो ऐसे जो सताए हुए लोग रहते हैं उन्हें कहते हैं डाउनट्रोडन. तो संत एकनाथ ऐसे लोगों से फ्रेंडशिप करते थे. एंड टॉट देम डिवोशन टू गॉड. और उन्होंने उनको क्या सिखाया? कि किस तरह भगवान की, गॉड की भक्ति करना चाहिए. हिज लव एक्सटेंडेड इवन टू द डम्ब एनिमल्स. अब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ह्यूमन बीइंग से प्यार करते थे. उनका प्यार एक्सटेंड हुआ यानी बढ़ा. किसकी तरफ? डम्ब एनिमल्स की तरफ. यानी जो एनिमल्स होते हैं वो डम्ब होते हैं. डम्ब यानी बोल ना पाना, गूंगा. तो एनिमल्स अपने बातों को लैंग्वेज में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनको डम्ब किया जाता है, डम्ब कहा जाता है, सॉरी. तो संत एकनाथ एनिमल्स को भी बहुत ज़्यादा प्यार करते थे. ही एग्जॉर्टेड द पीपल टू लव ऑल लिविंग बींग्स एंड प्रैक्टिस्ड वॉट ही प्रीच्ड. तो वो लोगों को क्या सिखाते थे? एग्जॉर्टेड का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, एनकरेज करना. किस बात के लिए एनकरेज करते थे? कि जितने लिविंग बींग्स हैं सबको प्यार करना चाहिए. और वो जो सिखाते हैं उसको खाली सुनना नहीं चाहिए, अपनी लाइफ में उसको लाना भी चाहिए. जैसे अगर वो संत एकनाथ ने सिखाया कि लोगों को प्यार करो और एनिमल्स को प्यार करो, किसी में भेदभाव ना करो, तो ये सिर्फ हमें सुनना नहीं चाहिए, हमें उसको अपने लाइफ में प्रैक्टिस भी करना चाहिए. अब उनके लाइफ का एक स्टोरी है, वो हम यहाँ पे स्टडी करते हैं. वन डे ही वॉज गोइंग टू द रिवर गोदावरी फॉर अ बाथ. महाराष्ट्र में ये रिवर है गोदावरी, वहाँ पे संत एकनाथ बाथ के लिए गए, नहाने के लिए गए. इट वॉज नून एंड वेरी हॉट. तो ये दोपहर का टाइम था और बहुत ज़्यादा गर्म था मौसम. द सैंड बेड अलॉन्ग द रिवर साइड वॉज वेरी हॉट टू. सो आपने देखा होगा जैसे रिवर के बाजू में जो रेत की ज़मीन होती है वो भी बहुत ज़्यादा गर्म थी. ही हर्ड द क्राइंग ऑफ अ पुअर चाइल्ड सिटिंग ऑन द हॉट सैंड.
तो उन्होंने एक रोते हुए बच्चे का आवाज़ सुना जो कि उसी सैंड पे बैठा हुआ था। अब उसको कोई और क्यों नहीं उठा रहा था? क्यों? क्योंकि वो गरीब था और एक नीचे सोसाइटी से बिलोंग करता था। एक नाथ लुक्ड अराउंड एंड सॉ द चाइल्ड। एक नाथ ने आसपास देखा और फिर उनका ध्यान बच्चे की तरफ गया। ही रश्ड टू हिम एंड लुक्ड अराउंड फॉर द चाइल्ड्स पेरेंट्स। तो वो बहुत जल्दी से बच्चे के पास गए और उसके पेरेंट्स को ढूंढने लगे। ही पिक्ड अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स। उन्होंने उस चाइल्ड को अपने आर्म्स में उठाया, अपने हाथ में उठाया। वाइप्ड हिज टीयर्स। टीयर्स यानी आंसू, उसके आंसू पोछे। वाइप मतलब पोछना। एंड रीच्ड हिम होम। फिर उसका घर ढूंढ के उसको उसके घर के घर लेके गए। तो जहाँ उस बच्चे को कोई उठाना नहीं चाहता था क्योंकि लोग उसे अछूत समझते थे, ऐसे में संत एकनाथ ना तो सिर्फ उसको उठाए बल्कि उसको उसके घर पे ले जाके पहुँचाए भी। इन दिस वे बाय हिज पर्सनल एग्जाम्पल एकनाथ इम्प्रेस्ड द मैसेज ऑफ लव एंड इक्वलिटी ऑन द माइंड्स ऑफ द पीपल। इस तरह अपने ही एग्जाम्पल्स दे के, मतलब ऐसा नहीं था कि एकनाथ सिर्फ संत एकनाथ सिर्फ सिखाते थे लोगों को, वो खुद उसको फॉलो भी करते थे और उस तरह से वो लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बनते थे। सो स्टूडेंट, वी हैव फिनिश्ड ईयर विद संत एकनाथ। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द संत तुकाराम। थैंक यू सो मच।